हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आपको देख के पता चल गया होगा कि लखनऊ में कितनी ठंड है। तो जी हाँ, लखनऊ में बहुत ज़्यादा ठंड है और बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं बोलूँ ठंड से भी ज़्यादा जो हवा है वो बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही है, जिसकी वजह से ठंड काफ़ी हो रही है। तो वीडियो भी मैं विदाउट जो है कोट एंड विदाउट स्वेटर बनाना इस समय पॉसिबल नहीं हो रहा है। सो मैंने जो आज आपका वीडियो मतलब जो मैंने आज आपके लिए टॉपिक सजेस्ट किया है वो स्पेशली उन लोगों के लिए है, बिकॉज मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो इस समय घूमने जा रहे हैं, वो चाहे हनीमून पे जा रहे हों, इवन चाहे किसी भी यात्रा पे जा रहे हों, कहीं भी जा रहे हों। तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है मेरे व्हाट्सएप पे कि सुगम हमें कोई ऐसा स्नैक बताइए जो रास्ते में, क्योंकि देखिए चिप्स हो गया और ये सारी चीज़ें हो गई जो हम इंजॉय करते चलते हैं अपने ट्रैवल टाइम पर या फिर ऐसे टाइम पर जो हम खाते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कैलोरी ले लेते हैं। और जब हम लौट के आते हैं तब हमारी आँखें पड़ती हैं कि अरे मैंने इतना वेट लॉस गेन कर लिया है, जबकि हम इतना वेट लॉस करके गए थे। तो उस मेहनत पर पानी ना फेर लिया, मैं आपको आज ऐसा स्नैक ही सजेस्ट करने आई हूँ जो बहुत ही हेल्दी है और जस्ट लाइक चिप्स भी आप बोल सकते हो, जस्ट लाइक चिप्स का पूरी तरह से काम करेगा और वेट गेन बिल्कुल नहीं होगा। मैं बोलूँ तो मतलब 1% भी वेट गेन नहीं होगा। और ये वीडियो मैं इसलिए भी लेके आई हूँ बिकॉज मैं खुद जा रही हूँ कहीं घूमने और मैं वो रेसिपी रेडी कर रही थी अपने लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, और बहुत सारे मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनका भी ऐसा क्वेश्चन है तो मैं उनके साथ भी ये रेसिपी शेयर कर दूँगी। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए चलते हैं वीडियो की। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको लेना है एक कढ़ाई, और जस्ट नॉर्मल सी बात है, आपको कढ़ाई को गर्म करना है। देन आपको लेना है यहाँ पे ऑलिव ऑयल, और आई थिंक ये वाली चीज़ अगर आप मार्केट से लोगे ना तो अराउंड 50 to 40 रुपीज़ का एक पैकेट आता है और उसमें बहुत ही कम क्वांटिटी होती है। तो आपको ऑलिव ऑयल डालना है 1 से 2 चम्मच। देन आपको इसमें डालना है नमक, और जो मैं नमक भी लूँगी ना वो यहाँ पे पिंक सॉल्ट लूँगी, इस तरह से पिंक सॉल्ट आता है और मैंने ये बिग बास्केट से मंगवाया था। अगर आपके नियरेस्ट शॉप पे मिल जाए तो आप ले लो। और ऑयल मैं इसलिए डालूँगी बिकॉज ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। आपके पास अगर पिंक सॉल्ट नहीं अवेलेबल है तो आप ये इस तरह से, मेरे पास इतना सारा क्वान्टिटी में है पिंक सॉल्ट, अगर आपके पास पिंक सॉल्ट नहीं अवेलेबल है तो आप सेंधा नमक ले लो। तो इसे मैं पहले मेल्ट होने दूंगी, अगर आप चाहे तो मिक्सी में पीस लो, लेकिन मैं इस तरह से गर्म ऑयल में करके इसे मेल्ट कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं जो सॉल्ट है वो मेल्ट हो चुका है। देन इसके बाद मैं डालूंगी यहाँ पे मखाने, और ढेर सारे बना के लेके जाऊंगी ताकि हर कोई इसका एंजॉय ले सके और उसे बाहर। और हाँ, सबसे अच्छी बात है कि अगर आपके बच्चे हैं और वो चिप्स खाने की जिद करते हैं तो उन्हें एक बाउल में आप निकाल के दे दो तो वो खाएंगे भी और चिप्स खाने की जिद भी नहीं करेंगे और काफी हेल्दी रहेगा उनके लिए भी है। और इन्हें आपको तब तक रोस्ट करना है जब तक ये ऐसे देखे ऐसे फूटने, देखिए अभी ये फूट नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, अभी ये इतने ज़्यादा अच्छे से हो जाएंगे कि ये फूटने लगेंगे। पहले आप देख रहे थे और ये देखिए इस तरह से, जब तक ऐसे ना हो जाए तब तक आपको इसे रोस्ट करना है, और ये अब आपके रोस्ट हो चुके हैं। गैस को बिल्कुल स्लो करिए और ये देखिए हल्के से लाइट लाइट से ब्राउन भी हो गए हैं। और
अब आप इन्हें ऐसे ही छोड़ दीजिए और थोड़ा हिलाते रहिए ताकि जो कढ़ाई है वो हल्की सी मतलब ठंडी हो जाए, वरना ऐसे छोड़ दोगे तो नीचे मखाने लग जाएंगे। तो इस तरह से आप इसे चला के एक थाली में ऐसे निकाल के रख दीजिए या फिर ऐसे ही छोड़ दीजिए, जब ये ठंडे हो जाए तो जिस कंटेनर में आप ले जा रहे हो उस कंटेनर में आप इसे भर लो और अपने ट्रैवल बैग में रख लो। सो फ्रेंड्स, देखा ये हेल्दी सी और यम्मी सी रेसिपी, आप भर के डिब्बे पे ले जाइए, जहाँ भी मन करे, जहाँ भी चाय पी रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो, निकाल के एक बाउल में आप खाना स्टार्ट करो और भी फैमिली मेम्बर को दो, वो भी काफ़ी हेल्दी रहे और आप अपना वेट भी मैनेज कर पाओगे। और ट्रैवल से रिलेटेड मे भी इधर वीडियोज आएँ, बिकॉज मैं खुद जा रही हूँ तो मैं रेडी करूँगी और आप लोग के साथ भी वीडियो शेयर करती चलूँगी। वीडियो जरा सभी इन्फॉर्मेटिव लगा हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आओ तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।